इदारा सेहत ने कहा है कि अगरचे मंकी पॉक्स पहली बार अफ्रीका के अलावा दीगर खित्तों में भी फैल रही है, ताहम ऐसा नहीं है कि वबा ने बेकाबू हो चुकी है। मंकी पॉक्स में हालिया इजाफा रमा माह 7 मई के बाद देखा गया, जब इंग्लैंड में पहला केस रिपोर्ट हुआ था, और अब तक दुनिया भर के 1.5 दर्जन ममालिक में इसके 130 तक केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि मजीद 106 मुश्तबा केसेस की निगरानी भी की जा रही है। आमतौर पर माजी में मंकी पॉक्स सिर्फ अफ्रीकी खित्ते तक महदूद था, ताहम इस बार इस बीमारी ने यूरोप को घेरे में ले रखा है, जहाँ की 1 दर्जन ममालिक में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगरचे इब्तदाई तौर पर ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि मुमकिना तौर पर मंकी पॉक्स के हालिया केसेस तब्दील शुदा साक के होंगे, ताहम इस हवाले से भी आलमी इदारा सेहत वाजे कर चुका है कि नए केसेस में कोई तब्दीली नोट नहीं की गई। मंकी पॉक्स के यूरोप के बाद शुमाली अमेरिकी ममालिक में तेजी से फैलने के बाद दुनिया में खौफ की फिजा पैदा हो चुकी है, और पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने इस हवाले से अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर रखी है। ताहम अब आलमी इदारा सेहत ने कहा कि अब तक मंकी पॉक्स काबिले कबूल हालत में है, ऐसा नहीं कि ये मर्ज बेकाबू हो चुका है। खबर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक आलमी इदारा सेहत की ग्लोबल इंफेक्शन के डायरेक्टर साल्वी ब्रांड ने जनीवा में हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वाजे किया कि मंकी पॉक्स काबू में है। उन्होंने कहा कि आलमी इदारा सेहत इस बात की हौसला अफजाई करता है कि मंकी पॉक्स की कड़ी निगरानी की जाए, ताहम अब तक के शवाइ से ये बात साबित नहीं होती कि इसमें कोई तब्दीलियां आई हैं। इनका कहना था कि ये देखने और मॉनिटर करने की जरूरत है कि हालिया मंकी पॉक्स केसेस कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि मंकी पॉक्स का फैलाव इंसानी रवैयों की वजह से हो सकता है, क्योंकि कोरोना की तवील पाबंदियों के बाद अब इंसान आजाद हुए हैं तो इनका मेल जोल उन्हें दूसरी मुसीबत में मुंतकिल कर सकता है। मंकी पॉक्स के हवाले से माहिरीन का कहना है कि ये बीमारी करीबी ताल्लुकात से फैलती है, ये कोरोना की तरह तेजी से फैलने वाली वबा नहीं। मंकी पॉक्स इंसानों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती है, जिस वजह से माहिरीन सामाजिक दूरी को यकीनी बनाने की हिदायत करते दिखाई देते हैं। माहिरीन का मानना है कि आमतौर पर मंकी पॉक्स गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात से फैलता है, और आमतौर पर इस बीमारी का शिकार वो लोग बनते हैं जो हम जिस परिस्थिति की जानिब रागिब हों, ताहम तमाम केसेस में ऐसा नहीं होता। मंकी पॉक्स इब्तदाई तौर पर बंदरों में पाई जाने वाली बीमारी थी, जो 1970 के बाद अफ्रीका के मगरबी हिस्से में फैली और कई दहाइयों तक वहीं फैलती रही। अगरचे माजी में मंकी पॉक्स के कुछ केसेस रिपोर्ट यूरोप और अमेरिका जैसे खित्तों में सामने आए, ताहम इसके ज्यादातर केसेस अफ्रीका में ही पाए जाते थे, लेकिन अब पहली बार इस बीमारी के केसेस अफ्रीका के बजाय दीगर खित्तों में रिपोर्ट होने पर लोगों में तश्वीश फैल गई है। अदनान सिद्दीकी, कराची।